मुंबई में बहुत लोग नाराज रहते हैं आपसे विवेक। मुंबई में कितने लोग रहते हैं? 125 करोड़, 1.5 करोड़, है ना, इतनी पॉपुलेशन, दो बोलते हैं कई लोग, उसमें से कितने लोग परेशान रहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 30-40 लाख लोग काम, 20 लाख लोग काम करते हैं, उनमें से कितने लोग रहते हैं? आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ। मैं तो ट्विटर पे देखता हूँ या और जो बातचीतें होती हैं ऑफ कैमरा, कोई बोलता है कि उन्होंने हमारी फिल्म अधूरी छोड़ दी, कोई बोलता है कि वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कैसा लगता है आप जब इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं आप पे, हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज एलिगेशंस? क्या ऐसी समझ में आ रही? ईमानदारी से बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं कोई एरोगेंस की बात नहीं नहीं सर प्लीज, बहुत ईमानदार, ललन टॉप है ये। एक हमारे भोपाल में एक जोक सुना था जी, एक चींटी घोड़ा गुस्सा आया हाथी के ऊपर, हाँ, तो उसने सारे अपनी चींटियों को बुलाया, कहला मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो चढ़ गई हाथी के ऊपर, उसे काटने लगी। हाथी ने ऐसे ही अपनी थोड़ी सी पूंछ हिलाई, कहीं देखो मैं काट रही हूँ इसलिए डर रहा है। पर हाथी की निगाह से अगर आप देखें तो चींटी मिनिस्क्यूल है, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। जिन लोगों को मैं सोचता था कि इनकी एग्जिस्टेंस बहुत है मेरी लाइफ में, एक दौर आया ऐसा मेरा, मैं इन सब के साथ काम कर चुका हूँ जिनके आप नाम लेना चाह, जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सब हमारे पल लगी जानती है, हमारे घर में ही बने रहते थे। संडे को ओपन हाउस होता हमारे घर में, वहीं पे दारू पीते थे, खाना खाते थे और वहीं रहते थे दिन भर। और अब आपको कोसते रहते हैं? हाँ, तो हुआ क्या कि देखिए एक उम्र का भी तकाजा होता है। मैं, मेरी ज़िंदगी बॉलीवुड से शुरू नहीं हुई थी, मैं बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड में आऊँगा कभी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। और एक बात और आपको बता दूँ कि जब पल्लवी और हम लोगों के 3-4 साल तक मिलने का लगातार या वो होता रहा, मेरी जो प्रोडक्शन मैनेजर थी वो इसकी जिगरी दोस्त थी, हमेशा कहती थी चलो पल्लवी के, और मैं हमेशा कहता था अरे ये फिल्मी लोगों के, मैं नहीं जाऊँगा। आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग, मैं एक ब्लू चिप लेके आया था, छोटे शहर का था, मध्यम वर्गीय परिवार का था, तो मेरे को लगता था मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, कहाँ इन सब। तो एक जो फॉल्स एरोगेंस आ जाती है, बड़े शहर में दिल्ली में आया था पढ़ने, IMC में जब गया तो सब अंग्रेजी बोलते थे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आप IMC से पढ़े? जी हाँ। तो मेरे बहुत पुराने बैच का हूँ मैं, पिल्लई साहब के वक्त का हूँ। आप हम दोनों के सीनियर हैं। अरे वाह, तुम IMC के हो? अरे वाह क्या बात, चलो अच्छा लगा सुन के। और IMC से अच्छे लोग निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बरखा भी IMC की है। गौरी को जानते हैं हम? गौरी लंकेश, शी वॉज फ्रॉम माई बैच, वी आर द सेम बैच। एनीवे, तो मैं पल्लवी से भी इसलिए नहीं मिलता था मुझे लगता। तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरे को पता भी नहीं था ये कैसे ऑपरेट करती है। मैं तो एड फिल्म्स बनाता था, टीवी भी कर लेता था। तो अचानक मैंने टीवी में कोई एक शो किया था तो किसी प्रोड्यूसर ने कहा इस पर फिल्म बना दीजिए, और कुछ ऐसी ईश्वर की लीला थी कि सब एक्टर इकट्ठे हो गए, चॉकलेट बन गई, राइट। तो जब मैंने हमेशा पढ़ा था कि इरोटिका बनाना हर डायरेक्टर का ड्रीम होता है वर्ल्ड में। आप कितने भी बड़े से बड़े डायरेक्टर्स के अगर आप पढ़ेंगे बायोग्राफीज तो सब लोग सोचते हैं इरोटिका इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टैकल। तो मुझे विक्रम भट्ट ने एक फिल्म के लिए बुलाया, हेट स्टोरी नाम की फिल्म के लिए, और उसने बोला मैं एक ऐसी ऐसी फिल्म मैं चाहता हूँ तुम बनाओ। और मुझे उस वक्त पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत भी थी और मैं चाहता भी था कि कोई ऐसी कमर्शियल फिल्म करूँ मैं तो। और वो एक औरत की कहानी थी जो बदला लेती है, एंड शी यूजेज हर बॉडी टू टेक रिवेंज। तो मैंने जब वो फिल्म बनाई तो मैंने देखा कि वही लोग जो अपने आप को बहुत लिबरल बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने इस बात को लेके थोड़ा रिडिक्यूल करना शुरू किया। और ये सब वही थे जो मेरे घर में ही बैठे रहते थे। अच्छा। और इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को मैंने आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट भी किया। तब स्टैंड अप कॉमेडी का कोई सीन नहीं था यहाँ पे, तो ये वरुण ग्रोवर वगैरह इन लोगों ने मुझे बुलाते थे आ जाओ, तो मैं जाके, कोई नहीं आता था उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से। मुझे अच्छे से याद है वो शो बांद्रा में कहीं पे था, आई वॉज द ओनली पर्सन हु वेंट देयर टू सपोर्ट देम। और मैं ट्विटर में भी इन सबको सपोर्ट करता था, जिसकी भी फिल्म आती थी अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने फिल्म बनाई है लड़के, देखिए फिल्म बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। जी बिल्कुल, बिलाशक। तो मैं सिर्फ इसलिए कि इसने फिल्म बनाई, मुझे लगता था कि भारत में 125 करोड़ में से 100 करोड़ लोग तो फिल्में आना ही चाहते हैं। सब किसी से पूछ लो तो कहता है हाँ यार फिल्में क्यों नहीं जाएंगे, और उसमें से चंद लोग जो फिल्म बनाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कुछ तो होगा उनमें। पर मैंने देखा ये लोग मुझ पे ऐसे अटैक करने लगे जैसे मैं कोई गंदा आदमी हूँ, जैसे मैंने उस फिल्म में सेक्स वर्ड को यूज़ करके जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, और वो मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगे जैसे कि आई एम नॉट अ गुड मैन। और उस वक्त जो था मेरे अंदर का जो कॉन्शियंस था, मैंने कहा फिर इनसे फ़ायदा ही क्या है। और उसके बाद जब तब दूसरी फिल्म, मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं जो हमारे बगल में रहते हैं, चूँकि आपने जिक्र आधी फिल्म की बात की है, मैंने ज़िंदगी में एक ही फिल्म छोड़ी है, वो मेरे पड़ोसी हैं,
हम, मेरा बच्चा और अनुभव सिन्हा का बच्चा साथ में बड़े हुए हैं, कोई भी देख के यही बोलते थे ट्विंस हैं दोनों अभी तक। और उनके जब अनु उनका जब सेपरेट हुए वो और उनकी वाइफ, तो रत्ना और हम सब साथ में ही मिलते थे। तो एक दिन मुझसे ऊपर पार्टी में अनुभव ने बोला कि विवेक मैं फंस गया हूँ एक फिल्म में, ओके आई एम रियली स्टक, कैन यू हेल्प मी आउट, क्योंकि मैंने लोन ओन ले रखा है और मेरे को 2 महीने में ये फिल्म ख़त्म करनी है। और ये एक जर्मनी की एक फिल्म है जिसको अवार्ड विनिंग फिल्म थी वो फेस्टिवल्स में, उसको मैंने खरीदे उसके राइट्स, मैं चाहता हूँ तुम वो बनाओ। वो सब्जेक्ट जो था वो एक बहुत ही, देयर इज अ बिग गाय एंड वो होमोसेक्सुअल है और उसका एक अपने पड़ोसी को लेके इन्फेचुएशन हो जाता है, वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, इट वाज अ नाइस सब्जेक्ट। सो आई सेड ओके ठीक है ये है। उसने बोला छोटी सी फिल्म है, हम भी फेस्टिवल्स वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं। मैंने पैसे तक की बात नहीं करी, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी अगर प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू आउट, तुम्हारी नई प्रोडक्शन हाउस है तुम्हारा चलेगा तो अपन और बड़ी फिल्म करेंगे कोई। और वो एक विश्वास सिर्फ इसलिए कि मेरा और उसके बेटे जो हैं और उसकी वाइफ जो है, हम लोगों के बहुत ही करीबी दिल के संबंध थे, एकदम घर जैसा, उसके बेटे को मैं अपना ही बेटा मानता हूँ आज तक और वाइस वर्सा भी है। करते करते जब मैंने एक, तो उसने कहा कि नहीं इंडिया में ये नहीं होगा, तो लेट्स चेंज इट इनटू अ बिग गर्ल हु गेट्स इन्फेचुएटेड टू अ नेबर, दैट्स ऑल्सो वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। आप अगर सोचिए अगर कोई लड़की दुबली पतली साइज 0 नहीं है उसको इन्फेचुएशन हो जाए तो उसके, तो इट वॉज अ साइकोलॉजिकल ड्रामा। जब मैं एक छोटा शेड्यूल करके आया तो उनके ऑफिस में देखा, मैंने एक बड़ा सा पोस्टर लगा था और उसमें एक न्यूड पिक्चर लगी हुई थी और उसमें मेरा नाम लिखा था डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री। तो जब मैं अनुभव से मिलने, मैंने कि ये क्या है, कहता है यार देखो ऐसा फिल्म बिकेगी नहीं, मुझे लगता है ये है वो है। तो मैंने सोचा इसको अपन लोग ऐसा सेक्स फिल्म और इरोटिका करके बेच देते हैं और तुमने तो बनाया भी हेट स्टोरी, तो इस कारण मेरे को मार्केट में प्राइस मिल रहा है उसका। मैंने कहा ये फिल्म वो नहीं है जो मैंने साइन की थी, मैं ये नहीं करूँगा। तो कुछ बात हुई उसके बाद, मैं इसलिए आज पहली बार इस बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में आज तक बात नहीं की क्योंकि मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन आपने बोला एक फिल्म छोड़ दी तो आपकी बातचीत हुई होगी इसलिए आपके जहन में। तो सर हमारा काम ही ऐसा है। हाँ तो ऑल इयर्स टू ऑल द, नहीं तो मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि कौन बैगेज लेके घूमे। तब से मैंने डिसाइड किया मैं खुल के बात करूंगा नाम लेके लोगों का, क्योंकि जब लोग करते पीठ पीछे मैं खुल के करूंगा। तो उनसे मैंने एक ही बात बोली, मैंने उनसे ये बोला कि जब आप हमेशा मुझे हमेशा किस्सा सुनाते रहते हैं सिन्हा साहब कि रावण फिल्म में आपको डायरेक्ट नहीं करने दिया जाता था और दूसरे लोग डायरेक्ट करते थे, तो जब करते थे तो आपने सही किया कि गलत किया इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके? तो उसने 2 मिनट सोचा और बोला मैंने सही किया। मैं वहीं पर ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा आई एम सॉरी। कहने लगा यार इसके तो इम्प्लीकेशन होंगे। मैंने कहा अब आप मुझे जेल भिजवा दें, आप मेरा मर्डर कर दें, आप जो चाहें दुनिया की ताकत ले आएँ, क्योंकि मेरे अंदर की सरस्वती कह रही है अब मैं इस फिल्म पे हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं वहाँ से आई वॉकड आउट। वही एक इकलौती फिल्म है जो मैंने आधी छोड़ दी, आधी नहीं यानी एक चौथाई करके छोड़ दी। तो ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं जो मुझ पर करते हैं? ये मैंने, मेरी वरुण ग्रोवर से क्या लड़ाई है आप बताइए, मेरी किसी से क्या लड़ाई? आने से थोड़ी देर पहले उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा था। इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय एंड आई थिंक ही शुड फोकस मोर ऑन हिज टैलेंट रादर देन थिंकिंग व्हाट विवेक अग्निहोत्री इज डूइंग।